हरी मिर्च की ये चटपटी सी रेसिपी आपके खाने के मेन्यू में ज़रूर शामिल होना चाहिए अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं। तो वेलकम है आपका समर्स किचन में। यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और उसमें डाल दिए हैं 100 ग्राम के करीब हरी मिर्च और लहसुन है 5 बड़े वाले कलियाँ हैं। आप अगर छोटा है तो ज़्यादा ले लें। इसको 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट करेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक और नमक के साथ भी रोस्ट करेंगे। इसी बीच आप वीडियो किस देश किस सिटी से देख रहे हैं अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपको थैंक्स भी बोल पाऊँगी। थोड़ी हल्दी डाल दी है और इसके साथ भी इसको भून लेंगे। सो 3 से 4 मिनट तक इस प्रोसेस को करेंगे जिससे ये हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो जाएँ और एक अच्छा सा टेस्ट आए हमारी रेसिपी में। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये रोस्ट हो चुके हैं 4 मिनट बाद, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इस बीच जब तक ये ठंडे होते हैं थोड़ा सा मसाला लेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिसमें कि ज़ीरा और धनिया साबुत, इनको हम दरदरा सा कुचल लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसी तरह से करना है और ये हो गया। अब मिर्च और लहसुन भी हमारा ठंडा हो गया है तो इसको भी बिना पानी डाले दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आपको लगता है नहीं पीस रहा तो हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं। 4-5 बड़े चम्मच तेल लेकर के गरम कर लेंगे। आप जो सभी तेल खाते हैं वो लें। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, मेथी के दाने डाले हैं और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते। अब ये मसाला डालेंगे, आँच को धीमा कर लेंगे नहीं तो मसाला एकदम से जल जाएगा। करी लीव्स डाल दिए ढेर सारे और एक मीडियम साइज़ की प्याज। अब प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। झटपट इंस्टेंट रेसिपी है और आपके खाने के स्वाद को ये 4 गुना बढ़ा देगी और बहुत ही यम्मी सी। अब ये चटनी तैयार हो गई है तो इसको हमें इस तड़के में डाल देना है। दो से तीन मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर इसको भून लेंगे और आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा इस स्टेज पर, क्योंकि तेज़ आंच पे एकदम से फिर खांसी आने लगती है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गैस को बंद करेंगे और अब इसमें डाल देंगे खट्टा सा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस मिला देंगे और ये हमारी चटपटी तीखी हरी मिर्च की चटनी तैयार हो गई है, जिसको आप ठंडा करके किसी जार में सेव कर लें और फ्रिज में रख करके 15 दिन तक आराम से इसको खा सकते हैं। पराठे रोटी के साथ अगर आप लगा के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दाल चावल के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो बस ऐसी मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपीज़ लेकर के डेली मैं समर्स किचन में आती हूँ। आप समर्स किचन को देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, थ्रेड पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक देखते रहिए समर्स किचन। थैंक यू सो मच।